जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो केवल IAS ऑफिसर बनने के लिए इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं ये आपको नॉलेज तो हो गया होगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट को ये भी जानना होता है कि आखिर IAS ऑफिसर बन जाने के बाद हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं। अब IAS ऑफिसर्स को फैसिलिटीज में सबसे पहली फैसिलिटीज दी जाती है रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब जहां पर भी IAS ऑफिसर्स को पोस्टिंग दी जाती है, अब वहां पर रहने का इंतजाम तो होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की ओर से उनको हाउस प्रोवाइड किया जाता है या फिर बंगला प्रोवाइड किया जाता है, और ये बहुत ही लो कॉस्ट पे होता है या फिर ये है कि बिल्कुल फ्री होता है। यहाँ पर कोई रेंट नहीं देना होता है, और इस घर में वहां पर सर्विस देने के लिए जैसे कि कुकिंग का काम है, मेड का काम है और गार्डन देख रेख के लिए, ये सब कुछ गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोवाइड करती है। अगर इसकी व्यवस्था नहीं होती है तो उसके बदले में वो उसकी फी पेमेंट करते हैं ताकि आप अपने तरफ से मेड, कुक, गार्डनर रख सकें। इसके बाद दूसरी फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्ट। अब IAS ऑफिसर की पोस्टिंग जहां पर भी होती है वहां पर आने जाने के लिए, क्योंकि इनके पास काम करने के लिए बहुत ज्यादा होता है, कम समय में ज्यादा टारगेट कंप्लीट करना होता है, कई बार निरीक्षण करने जाना होता है। अब ये सारे काम कैसे होंगे, पैदल चलकर तो होना नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट अपने तरफ से व्हीकल प्रोवाइड करती है और ड्राइवर भी प्रोवाइड करती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर का इंतजाम नहीं होता है तो फिर कहते हैं कि आप अपने तरफ से ड्राइवर लगाइए और उसका पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी को लेकर के। IAS ऑफिसर जब आप बन जाते हैं उसके बाद आपको अलग अलग टाइप की पोस्टिंग दी जाती है। अगर आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में हुई है, DM के तौर पर काम करते हैं, कुछ योजना आई है या कुछ जगह पर तोड़फोड़ करके कुछ नया बनाना है, सड़क बनाने के लिए देखना है या कुछ भी देखना है, तब ऐसे में क्या होता है कि वहाँ के लोग विरोधी भी हो जाते हैं। अगर आप किसी माफिया को पकड़ते हैं तो वो लोग विरोधी हो जाते हैं, अब आपके जान का खतरा हो सकता है या आपके परिवार को, तो इसलिए यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है और आपको उसी तरीके से सुविधाएं दी जाती हैं। अगर जान का खतरा सच में बहुत ज्यादा है ऐसा लग रहा है तो उसी के हिसाब से STF कमांडोज भी दिए जा सकते हैं, इस तरीके की भी व्यवस्था है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो भी हाउस आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, अब वहां पर जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिल भी आने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, गैस बिल है, फोन बिल है, ये सारे टाइप के जो बिल हैं वो गवर्नमेंट अपने तरफ से प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हाउस में है तो, और इसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में है तो। इसके बाद है ट्रिप को लेकर के। अब IAS ऑफिसर है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो एंजॉय नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने इस टाइप की सुविधा दे रखी हुई है कि अगर वो इंडिया में कहीं पर भी ट्रिप के लिए जाते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस दिया जाता है या बंगलो दिया जाता है उनके ठहरने के लिए, और अगर वो दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में स्टेट भवन होते हैं, वहां पर वो ठहरते हैं, उनके लिए वो व्यवस्था होती है। इसके बाद नेक्स्ट फैसिलिटी है स्टडी लीव की। जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं IAS बन जाने के बाद जैसे ड्यूटी देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन ऑफिसर्स के लिए भी गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है, उनको 2 साल का टाइम दिया जाता है, वो 2 साल का स्टडी लीव ले सकते हैं। जैसे कि कुछ ऑफिसर्स हैं जो फॉरेन में जाकर के फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ये डिमांड रखती है कि आप बाहर जाएंगे पढ़ेंगे, उसका खर्चा हम उठाएंगे, लेकिन ये तभी होगा जब आप सर्विस में 6-7 साल काम कर लेंगे, उसके बाद आप स्टडी लीव लेंगे। और हाँ, कुछ बॉन्ड होते हैं, उस बॉन्ड में भी आपको सिग्नेचर करना होता है और उसके बाद ये भी बताना होता है कि आप वहां से आएंगे तो आप गवर्नमेंट को सर्विस देंगे, मतलब कि आप आगे भी नौकरी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर पढ़ने गए और उधर ही काम करने लग गए, उधर ही रह गए, नौकरी छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है। आप जाएंगे पढ़ेंगे और ऐसी पढ़ाई करेंगे जो आपके सर्विस में काम आ सके, और बाद में आपको सर्विस देना होगा, उसके बाद ही आप एक टाइम आने के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फैसिलिटी है पोस्ट रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट में क्या होता है, जैसे कि जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उसके बाद आपने जितना समय काम किया है उसका आपको जो अनुभव है वो कहीं तो काम आए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे IAS ऑफिसर जो अच्छा काम किए होते हैं, उनके पास रिकॉर्ड होता है, तो उनकी नियुक्ति कमीशन्स में किए जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स में किए जाते हैं, उसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में भी उनकी नियुक्ति हो सकती है या होती है। इसके अलावा IAS ऑफिसर्स के अपने काम का अनुभव इस तरीके से होता है कि कई सारे प्राइवेट कंपनी होते हैं, वो भी उनको ऑफर करते हैं कि वो उनकी कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर काम करें और उनको अच्छी सैलरी देती है।
तो इस तरीके से उनका टैलेंट यहाँ पर काम आता है। इसके अलावा IAS ऑफिसर को कुछ और भी छोटी छोटी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ये फैसिलिटीज़ हम सभी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। जैसे कि आपके फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो आपको उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाना है, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको लाइन लगाना है, वहाँ पर आपके पद और आपके काम के अनुसार आपको VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो इस वजह से ताकि आप और आपके फैमिली मेंबर को ज़्यादा टाइम नहीं लगे, ताकि आप व्यस्त रहें। आपका काम ही कुछ ऐसा है कि आपको हर टाइम बिजी रहना है, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अगर आप हॉस्पिटल में अपना समय देंगे तो फिर आप अपना काम कब करेंगे? इसलिए गवर्नमेंट इस हिसाब से उन्हें फैसिलिटीज़ दी हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट फैसिलिटीज़ ये है कि आप IAS के तौर पर भले ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी पोस्टिंग एक ही जगह पर रहेगी हमेशा के लिए, तो आपको अलग अलग जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, अलग अलग जगह पर आप ड्यूटी देते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि आपकी फैमिली भी आपके साथ रहती है, आपके बच्चे रहते हैं, तो वो लोग अगर स्कूल जाते हैं तो उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा। आप अलग अलग जगह आपकी पोस्टिंग होगी तो वो स्कूल कैसे जाएंगे? तो गवर्नमेंट यहाँ पर फैसिलिटी देती है कि जिस तरीके से आपकी पोस्टिंग हुई है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपके बच्चे का भी ट्रांसफ़र हो जाएगा एक स्कूल से दूसरे स्कूल, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। और वो वहीं से ट्रांसफ़र होकर के, मतलब जिस क्लास में जिस महीने तक वो पढ़ा है उसके आगे वो पढ़ाई स्टार्ट कर देगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है। और सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि गवर्नमेंट ने आपको जितनी पावर्स दी हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ दी हैं, इन फैसिलिटीज़ का यूज करके जहाँ जहाँ पर आपको काम करने का मौका मिला है, वहाँ के जनता के दिलों में आपने अपनी जगह क्या बनाई है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए हमेशा काम करती है।